हरिद्वार में भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद, रावण और खानपुर विधायक उमेश कुमार के नेतृत्व में एएसएसपी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया गया। दलित किशोरी की हत्या के आरोप, भाजपा नेता आदित्य राज सैनी की गिरफ्तारी और वसीम उर्फ मोनू की मौत के मामले में पुलिस पर लगे हत्या के आरोपों की निष्पक्ष जांच को लेकर यह प्रदर्शन किया गया। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद रावण ने अपनी समर्थकों के साथ एसएसपी कार्यालय का घेराव करते हुए अपनी मांगे रखी। प्रदर्शनकारियों की प्रमुख मांगों में शांतर शाह की दलित किशोरी की हत्या के आरोपी, भाजपा नेता आदित्य राज सैनी की गिरफ्तारी और वसीम उर्फ मोनू की मौत के मामले में पुलिस पर लगे हत्या के आरोपों की निष्पक्ष जांच है। प्रदर्शन के मद्देनजर हरिद्वार पुलिस ने कड़े सुरक्षा इंतजाम किए थे। एसएसपी कार्यालय के चारों ओर बैरिकेडिंग की गई थी और भारी पुलिस बल तैनात किया गया था ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे। पुलिस प्रशासन ने किसी भी स्थिति से निपटने के लिए सतर्कता बरतते हुए पूरी तैयारी कर रखी थी, लेकिन प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा। वसीम के मामले में अभी तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई। भाई चंद्रशेखर जी ने ये तय किया था कि 5 तारीख को एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा न्याय दिलाने के लिए। आज उसी दिशा के में चलते हुए आज हम लोग यहाँ सभी इकट्ठा हुए हैं। आज़ाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महक सिंह जी भी हैं, उनके द्वारा यहाँ उपस्थित होकर लोगों को इकट्ठा किया गया। सब लोगों ने काम किया और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में किसी की दलित की बेटी की हत्या करके उसे सड़क पर ना फेंका जाए, किसी वसीम की दर्दनाक मौत ना हो। इसके चलते हम यहाँ पर प्रशासन को आगाह करने के लिए आए हैं और जब तक बैठे हैं, जब तक कोई ऐसी मजबूत ठोस कार्रवाई नहीं होती जिससे कि पीड़ित परिवार को न्याय मिलने की राह खुले। हम अपने संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग कर रहे हैं। आज पहली बार सड़क पर नहीं हूँ, लंबे समय से सड़कों की राजनीति कर रहा हूँ। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गया तो इस काम को नहीं छोड़ सकता, जिस काम से लोगों के आंसू पूछने का हमने किया है। मैं आज यहाँ इसलिए हूँ कि हमारी बेटी जो है, जो शांतर शाह की थी, जिसका रेप करके हत्या कर दी गई और अभी तक सब लोग गिरफ्तार नहीं हुए, प्लस वसीम के परिवार के साथ जो जुल्म हुआ, वसीम के साथ जो जुल्म हुआ, झूठे मुकदमे लग के जिस तरह से उनपे उनको डराने काम किया, वो झूठे मुकदमे वापिस हो और एफआईआर दर्ज होके और कार्रवाई हो जिन लोगों ने अपराध किया। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।